फॉर इंग्लिश लेक्चर इंग्लिश रिविजन. क्वेश्चन वन ए बी डन. क्वेश्चन टू ए. क्वेश्चन टू ए इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन ब्रैकेट. आपको ब्लैंक्स फिलअप करनी है किसकी हेल्प से, किसकी मदद से, ब्रैकेट की मदद से. दिस इज द ब्रैकेट. ये ब्रैकेट की मदद से आपको क्या करना है, पूरी ब्लैंक्स फिलअप करनी है. हाउ मेनी मार्क्स, देर आर फाइव मार्क्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कितने मार्क्स है, फाइव मार्क्स. तो ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं. ये सारी की सारी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूरा फोकस करके करना है. मैं कैसे कर रही हूँ, मैं कैसे लिख रही हूँ, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा. ओके, फर्स्ट वन, पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले अब जब भी आपके सामने पेपर आता है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में पूरा प्रॉपर आपको रीडिंग करना है. तो फर्स्ट वन इज प्लांट, चार्म्ड, स्टिक्स, बबल, स्ट्रॉ, हैप्पली, केस्ड, येलो, रेड, अफ्रेड. चलो ये सारे इसके ऑप्शंस है. देन ऑप्शंस, देन फर्स्ट हम टेन ब्लैंक है, टेन ब्लैंक करेंगे. फर्स्ट वन, द शू ब्लैंक ऑन द स्ट्रॉ. शू है, उसने स्ट्रॉ पे क्या किया था, तो प्लांट किया था. आंसर मिल जाए ना तो उसके नीचे अंडरलाइन करती जानी है. उसने उसके ऊपर प्लांट्स किया था या फिर जंप किया था, तो द शू ने जंप किया था, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. क्यों अंडरलाइन करवाई, क्योंकि ये दूसरी बार हमें ध्यान में लेना ही नहीं. ये ऑप्शन अभी पता ही है कि ये ऑप्शन हमने यूज़ कर ही लिया है, तो हमें दूसरी बार यूज़ ना करना पड़े. ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चार्म्ड, जे यू एम पी डी, चार्म्ड. देन नंबर टू, द रेड चिली वॉज ऑन द, रेड चिली है वो किसके ऊपर थी, किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, स्टिक्स के ऊपर, बबल, स्ट्रो, हैप्पली, किसके ऊपर थी. तो रेड चिली थी वो कहाँ पे थी, प्लांट्स के ऊपर. सो अंडरलाइन ऑन प्लांट, राइट इट हियर, पी एल ए एन टी, प्लांट. डन. नंबर थ्री, द शू वांटेड टू फ्लोट ऑन. शू है वो किसके ऊपर फ्लोट, किसके ऊपर तैरना चाहता था. शू वांटेड, शू को क्या चाहिए था, किसके ऊपर वो फ्लोट मीन्स तैरना चाहता था. शू है वो स्टिक्स के ऊपर, बबल्स या फिर स्ट्रो के ऊपर, किसके ऊपर तैरना चाहता था. हैप्पली, किस, येलो, रेड, अफ्रेड, किसके ऊपर. तो शू है वो बबल के ऊपर, उसने बोला था ना कि लेट अस फ्लोट ऑन यू, चलो तुम पे तैरते हैं. तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे बबल के नीचे और राइट इट हियर. देखो अब हम ये ऑप्शन से वो देखेंगे, क्योंकि पता ही है कि ये ऑप्शन से भी आंसर हमने लिख ही दिया है. नंबर फोर, मोनो लिव्ड इन अ हाउस ऑफ. मोनू कौन से घर में रहता था, हाउस ऑफ, तो मोनू है चलो स्ट्रिक्स के हाउस पे, स्ट्रो के हाउस में, हैप्पी, कीस्ट, येलो, कैसे रहता था वो. तो मोनू है वो, मोनू स्ट्रिक्स के हाउस में रहता था, तो अंडरलाइन ऑन मोनू, सॉरी स्ट्रिक्स, and write it here. Handwriting fine fine करने हैं. चलो number 5. Sonu, Monu and Gonu lived blank together in the red brick house. Sonu, Monu and Gonu वो सब कैसे रहते थे एक साथ red brick house में, तो straw पे, happily, cased, yellow, red and afraid कैसे रहते थे, तो खुश खुश, हैप्पीली. सो अंडरलाइन ऑन हैप्पीली एंड राइट इट हियर, एच ए डबल पी आई आई एल वाई, हैप्पीली. नंबर सिक्स, सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ. सोनू है वो कैसे घर पे रहता था, सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ, हाउस ऑफ
सुनके से घर में रहता था। हाँ स्ट्रो, तो वो स्ट्रो के हाउस में रहता था। अंडरलाइन ऑन स्ट्रो एंड राइट इट हियर, स्ट्रो STRAW। पीलू बॉट अ ब्लैंक लड्डू, पीलू है, पीलू ब्रॉट अ पीलू है, वो कैसा लड्डू लेके आया था? तो केस्ट येलो रेड या अफ्रेड? तो येलो, उसे येलो थिंग्स ये अच्छी लगती थी ना। देन पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू। नंबर 8, मदर हैन एंड लल्लू लालू ब्लैंक पीलू। मदर हैन और लालू ने क्या किया पीलू के साथ? तो किस्ड रेड या फ्रेड? तो क्या किया था उसने? किस्ड। क्यों? क्योंकि मदर हैन एंड लालू है उसकी हेल्प की थी। उसका फेस एकदम, माउथ है वो जलने लगा था, बर्न करने लगा था इसीलिए। चलो किस्ड पिलू। नंबर 9, मिट्टू वॉज ब्लैंक ऑफ द क्रो। मिट्टू है वो क्रो से क्या हो गया था? चलो क्या हो गया था? रेड या फिर अफ्रेड? देखो ये सारे ऑप्शंस अभी देखने ही नहीं है क्योंकि ये सारे हमने ऑलरेडी उसके आंसर्स लिख दिए हैं, तो ये कुछ यूजफुल ही नहीं है। दो ही बचे हैं, रेड या अफ्रेड। तो मिट्टू है वो क्रो से क्या हो गया था? रेड हो गया था या फिर अफ्रेड हो गया था? तो उससे डर गया था। ओके अंडरलाइन कर दी है, हम लिखेंगे यहाँ पे अफ्रेड। देन लास्ट वन, मिठू शो अ ब्लैंक बलून। मिठू शो अ बलून, कैसा उसने बलून देखा था? तो ऑप्शन एक ही बचा है, देखो रेड। तो क्या लिखेंगे? रेड। चलो डन, ये क्वेश्चन 2 है डन। चलो उसका ही क्वेश्चन 2 का ही क्वेश्चन बी, सर्कल द ऑड वर्ड इन ईच सेट। एक सेट में ऑड वर्ड, ऑड मीन्स अलग वर्ड दिखना चाहिए। कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स के होंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट वन ब्लो फ्लो, देखो रीडिंग करना प्रॉपर आता होगा ना, तो ये फटाक से हम कर लेंगे। ब्लो फ्लो ड्रो स्लो, स्पेलिंग में कौन से अलग हुए? देखो यहाँ पे LOW LOW LOW, यहाँ पे LOW है नहीं है। फटाफट से ऐसे सर्कल बना देना है। नंबर 2, ग्लो क्रॉन क्राउन, ग्लो क्राउन फ्राउन ब्राउन। चलो कौन सा अलग है? ग्लो। सो सर्कल ऑन ग्लो। देखो मैं कैसे स्पीड में कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ ऐसे ही सीखना है। नंबर 3, क्राई ड्राई फ्राई टेल। चलो कौन सा अलग आया? क्राई ड्राई फ्राई टेल, टेल आया। तो टेल इज अ ऑड वर्ड, अलग दिखता है वो। सिंग ब्रिंग थिंग स्ट्रिंग, सिंग बिंग सॉरी सिंग ब्रिंग थिंग स्ट्रीम, क्या लगाया? स्ट्रीम, स्ट्रीम इज अ, तो स्ट्रीम पे सर्कल करेंगे। नंबर 5, वेंट वेट सेंट रेंट, वेंट वेट सेंट रेंट, कौन सा अलग है? वेट, वेट इज नंबर 6, साउंड फाउंड ब्राउन ग्राउंड, UND UND नॉट UND UND, तो ब्राउन इज अ ऑड। समझ में आ रहा है? डाउन क्लाउन ड्राउन राउंड, चलो क्या आएगा? राउंड। नंबर 8, सेल बिल टिल हिल, सेल इज अ ऑड। नंबर 9, टेल बॉल नेल पेल, टेल बॉल नेल पेल, अब बोलो ना तो ये आपको पता चल जाए। देखो टेल नेल पेल, बॉल इज अ ऑड वर्ड।
बैक ब्रॉक टैग कैप बैग क्रॉक सॉरी ब्रॉक टैग कैप क्या अलग है? ब्रॉक इज डिफरेंट. चल डन.